सर जी ये देखिए अभी कंप्लीट हुआ, मतलब क्ले वर्क मोल्डिंग कास्टिंग कंप्लीट होने का बाद ये अभी कास्टिंग होके कंप्लीट कलर भी हो गया। क्लाइंट का हिसाब से ये लाइट टोन में मांग रहा है, सिर्फ हल्का देखिए यहाँ पे हल्का ऑफ व्हाइट एक शेडिंग दिया, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई कलर नहीं होगा। ये लाइट का ऊपर डिपेंड करेगा इसका लाइट एंड शेड और डेप्थ, क्योंकि ये होना चाहिए रिलीफ में। तो ये 6 फीट बाय 7 फीट, इधर 7 फीट इधर 6 फीट हाइट, ये पूरा एक सिंगल पीस में क्लाइंट का घर पे ये पहुंच जाएगा। ठीक है, फ्रेंड ये एक बहुत अच्छा डिजाइन है, राधा कृष्ण का म्यूरल है, बहुत कॉमन म्यूरल है। तो ये डिटेल भी बहुत सारा है। अभी ये 6 फीट बाय इधर 7 फीट, ठीक है ना, हाइट 6 फीट है, तो ये पूरा का पूरा म्यूरल बनेगा। तो बहुत डिटेल काम है, फोलियस ट्रीज, ठीक है ना, राधा कृष्ण है, गाय है, इधर एनिमल है, तो इस टाइप का पूरा कंपोजिशन पैक्ड अप कंपोजिशन है। तो चलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाता हूँ। फिलहाल इसमें ड्राइंग प्रोपोर्शन का हिसाब से ठीक रहा है, इसीलिए मैंने फ्लेक्स प्रिंट करके इसको स्टेंसिल कर लिया, तो ड्राइंग का टाइम बच गया। तो लेकिन फर्स्ट टाइम आप लोग काम करेंगे तो ऐसा नहीं करते, इसको फ्री हैंड ड्राइंग करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद ये पूरा ड्राइंग होने का बाद हम लोग इंप्रेशन ले लिया, अभी क्या करें, अभी धीरे धीरे ये जो पार्ट है अभी इसमें मिट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए ये प्लाई सरफेस है, प्लाई सरफेस का ऊपर हम लोगों ने 1/2 इंच का मिट्टी का टाइल्स हम लोगों ने बना लिया। ये सेम मिट्टी है और उसी मिट्टी का हम लोग रिलीफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए साथ में रहिए, स्किप मत कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखिए। Thank you.
सर जी ये देखिए अभी कंप्लीट हुआ, मतलब क्ले वर्क मोल्डिंग कास्टिंग कंप्लीट होने का बाद ये अभी कास्टिंग होके कंप्लीट कलर भी हो गया। क्लाइंट का हिसाब से ये लाइट टोन में मांग रहा है, सिर्फ हल्का देखिए यहाँ पे हल्का ऑफ व्हाइट एक शेडिंग दिया, बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई कलर नहीं होगा। ये लाइट का ऊपर डिपेंड करेगा, इसका लाइट एंड शेड और डेप, क्योंकि ये होना चाहिए रिलीफ में। तो ये 6 फीट बाय 7 फीट, इधर 7 फीट इधर 6 फीट हाइट, ये पूरा एक सिंगल पीस में क्लाइंट का घर पे ये पहुंच जाएगा। ठीक है, आपको पता नहीं आप ये रिलीफ बनाने का बाद भी मल्टी कलर मांगते हैं, लेकिन मल्टी कलर में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये रिलीफ है, ये एक्चुअली इसमें लाइट जब गिरेगा ये ऑलरेडी 3D टाइप का फिनिश देगा, ऑटोमेटिकली शेडिंग है। तो इसमें पेंटिंग करने का क्या जरूरी है, मल्टी कलर करने का क्या जरूरी है, उसके लिए मल्टी कलर चाहिए तो आप पेंटिंग ले लीजिए, पूरा 2D पेंटिंग ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये फर्क आपको समझना चाहिए।